और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है, योगी का पैटर्न सेट है। सवाल कई उठाए गए दर्शकों, लेकिन योगी की पुलिस अपराधियों का पक्का इलाज करना जानती है। कैसे इलाज किया है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज हमने तैयार की है। दर्शकों, आपको याद होगा सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए, पूरी समाजवादी पार्टी जुट गई। कभी एनकाउंटर की जाति देखी, कभी फेक एनकाउंटर बता दिया, तो कभी खाकी पर सवाल उठा दिए। लेकिन अखिलेश यादव हर दिन पोस्ट कर रहे हैं और एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दर्शकों, पहले आपको वो बता देता हूं क्या लिखा है अखिलेश यादव ने, सुन लीजिए ध्यान से। बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीर दिखाओ, और फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। बीजेपी अपने दलबल के साथ ऐसे एनकाउंटर्स को जितना अधिक सच साबित करने लग जाती, वो एनकाउंटर उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी, वाकई उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पैटर्न सेट हो गया, आप ठीक कह रहे हैं। पैटर्न क्या है, अब ये सुन लीजिए। पैटर्न अपराधियों के खिलाफ एक्शन का, पैटर्न पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का, पैटर्न माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का, यह पैटर्न उत्तर प्रदेश में सेट हो चुका है। लेकिन दर्शकों, सोचिए आप किस तरह की सियासत यहां पर की जा रही है। और मैं आपको आज एक तस्वीर बताने वाला हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं उसका उन्होंने आंकड़ा भी दिखाया है। वो आंकड़ा क्या कहता है देख लीजिए। अखिलेश यादव के आंकड़े देखिए पहले आप। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 125 एनकाउंटर हुए, अन्य के कितने एनकाउंटर हुए 40। और डेटा नहीं है जिन एनकाउंटर का, उनकी संख्या है 42। ये तो अखिलेश यादव के एनकाउंटर है दर्शकों। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है आंकड़े जिनको अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से बताया नहीं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या कितनी है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए 18, क्षत्रिय और ठाकुर 16 एनकाउंटर हुए इन लोगों के, जाट और गुर्जर जो अपराधी हैं 15 एनकाउंटर हुए हैं, और अखिलेश यादव जिन यादवों का जिक्र करते हैं वो 14 एनकाउंटर हुए हैं, और अन्य ओबीसी के कितनी संख्या है 7 एनकाउंटर किए गए। अखिलेश यादव के आंकड़े नीचे आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सही आंकड़े हैं जो अखिलेश यादव ने जोड़ दिए। दलितों की संख्या है 13 एनकाउंटर की, एसटी की संख्या कितनी है 3, और अन्य के एनकाउंटर 34 है। ये पूरे आंकड़े अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से किसी को बताया नहीं। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये पैटर्न सेट हो चुका है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो कार्रवाई होगी, उस पर सियासत क्या कह रही है सुनिए जरा। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर फर्जी करा रही है। पहले उठाओ, फिर फर्जी कहानी बताओ, फर्जी तस्वीर जारी करो, और उसके बाद फर्जी इनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दो। और जितने भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें ज्यादातर पीडीए समाज के हैं। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जी का दर्द और बढ़ जाता है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं, वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं है। वो अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीडीए का हिस्सा है, वो मऊ में जो रेप पीड़िता है जो पीडीए का हिस्सा है उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दर्शकों, सुना आपने, अखिलेश एंड पार्टी चाहे जितने सवाल खड़े कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश उसे अपराध के खात्मे के लिए योगी और उनकी पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लेटेस्ट एग्जाम्पल कुशीनगर से सामने आया, देख लीजिए, जहां ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर हुआ जिन्होंने दो लड़कियों की किडनैपिंग की जरूरत की। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया, और ऐसा इलाज हुआ कि अब वो पैरों पर नहीं व्हीलचेयर पर चल रहे हैं, और कह रहे हैं
योगी जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन कैसे पुलिस ने यह कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की है दर्शकों, यह है वो कार्रवाई। पैटर्न सेट है, जो भागेगा, जो अपराध करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसी से जुड़ी हुई यह रिपोर्ट देखिए। ये वही आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक अपने पैरों पर चल रहे थे। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि बंदूक की नोक पर दो लड़कियों को किडनैप करने की हिमाकत कर बैठे, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का प्रदेश है जहां महिला सुरक्षा से खिलवाड़ सबसे बड़ा गुनाह है। राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। दरअसल कुशीनगर में दो ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट का अपहरण किया गया था। इस किडनैपिंग में शामिल 6 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी के 2 आरोपी निषाद और आदित्य फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निषाद और आदित्य व्हीलचेयर पर आ गए, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। माफी का अंदाज भी ऐसा है मानो कह रहे हैं, योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए, गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है, काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है, मैसेज भी क्लियर है, गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पूरा होगा।